नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सोनीपत में चढ़ूनी ग्रुप की बैठक हुई और बैठक के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि एमएसपी पर सरकार कानून बनाए और आंदोलन में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। तो यहां आप जो एमएसपी को लेकर के खेल है उस पर अब चढ़ूनी ग्रुप की तरफ से एक बैठक की गई। सिंगू बॉर्डर पर चढ़ूनी ग्रुप की यह बैठक हुई, सरकार एमएसपी पर कानून बनाए और सरकारी खरीद इस पर सुनिश्चित की जाए। सरकार ने एमएसपी की कोई बात नहीं की है, अभी तक सरकार ने केस वापसी की कोई बात नहीं की है, शहीदों को मुआवजा देने की कोई बात नहीं की है, बिजली बिल पे कोई बात नहीं की है। तो लेकिन जो तीन कानून वापस किए हैं और उनको कैबिनेट में भी पास कर दिए, आज ये संसद में भी पास करने के लिए रख दिए हैं। देखिए, अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि एमएसपी संभव ही नहीं है तो फिर हो सकता है कि वो हमें यहाँ से उठाने के मूड में ना हो, हो सकता है वो इस आंदोलन को आगे चलवाने के मूड में हो, अगर वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी संभव नहीं। और रोहतक में कृषि कानूनों को वापस देने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है किसानों का प्रदर्शन। किसान 350 किलोमीटर फड़ी पर तिरंगा झंडा लहराकर पंजाब के मोगा से दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर विरोध स्वरूप पैदल जा रहे हैं। किसानों की मांग है कि कृषि कानून तो वापस हो गए लेकिन किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस करे सरकार। उनका कहना है कि आंदोलन के दौरान मृतक किसानों को शहीद का दर्जा दे सरकार और उनके सम्मान में शहीद स्मारक बनाए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिल वापसी की घोषणा के बाद किसान नेताओं को उन पर विचार करना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, उनका समाधान होता है। अगर किसान नेताओं को राजनीति करनी है तो सीधी सीधी करें, किसानों के नाम पर ना करें। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में किसानों के लिए बीजेपी ने जो किया उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। एमएसपी पर बोलते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ये मांग उचित और व्यावहारिक नहीं है, और मांग करें तो व्यवहारिक करें जो किसानों का हित में हो। राजनीति करने के लिए इस तरह की मांग करना देशहित में नहीं है। हरियाणा सरकार देश में सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसलें खरीदती है और अच्छे भाव देती है। देखिए, जितना बड़ा दिल करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि मैं कानून वापस लेता हूं और आप अपने घरों में जाओ, अब जो किसान नेता हैं उनको भी विचार करना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसा है कि समस्याएं आती रहती हैं, उनका समाधान भी होता रहता है। और आगे भी एमएसपी के बारे में भी कमेटी बनाने की उन्होंने कही है, और समस्याएं होंगी वो भी दूर करेंगे। सिर्फ आंदोलन करने के लिए आंदोलन करना अच्छी बात नहीं है, राजनीति करनी है तो सीधी सीधी करें, किसान का नाम ना लें। और किसानों के लिए जितना हमारी सरकार ने किया है, चाहे वो नहरी पानी देना हो, माइक्रो इरीगेशन करना हो, बिजली की चीज़ें, बिजली की सुविधा देना हो, भाव देना हो, भावांतर भरपाई देना हो, फसलें खरीदना हो, कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के लिए अच्छे से अच्छे काम हों। और मेरी यही प्रार्थना है सबसे हाथ जोड़ करके, जो आंदोलनकारी लोग हैं, कि वो प्रधानमंत्री पर भरोसा रखें और किसानों को जो उनके साथ है उनको घर भेज। वहीं फतेहाबाद पे एमएसपी को लेकर जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया, कहा किसानों को फसल की एमएसपी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होने चाहिए, मृतक किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि कृषि कानून वापस लेने का वायदा उन्होंने कर लिया, लेकिन जो एमएसपी को लेकर के एक जो दिक्कत आ रही है, मैं तो निवेदन करूंगा केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि जो एमएसपी है उसके ऊपर भी कमेटी जैसी उन्होंने गठित करने की बात कही थी, तो उस पर भी एक चर्चा हो जाए। जो लोग उसमें शहीद हुए या मारे गए या जिस भी तरीके से जिसकी मृत्यु हुई, उनमें अगर कोई आपराधिक व्यक्ति नहीं है या किसी और कारण से उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो उन लोगों को मुआवजा देने की भी बात माननीय प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए। मैं किसान भी हूँ, किसान हितैषी भी हूँ,
और मैं तो ये कहूँगा कि केंद्र की सरकार को अपने देश की जो कृषि है वो घाटे का सौदा बन चुका है, तो ऐसे हालात में अपने किसान को कैसे उठाया जाए, कैसे उसकी माली हालत ठीक की जाए, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि उसको MSP पे उसकी फसल बिके, उससे कम फसल बिके ना, या उसका लूट ना हो किसान की, तो ये अति ज़रूरी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के महू चौपड़ा पर हरियाणा प्रगति रैली को संबोधित किया। उन्होंने प्रगति रैली में मेवात के वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि शहीद जमी मेवात की धरती को सलाम करता हूं, ये धरती शहीदों की धरती है। बाहरी आक्रमणकारियों ने जब भी देश पर आक्रमण किया तब तब मेवातियों ने देश को सर्वोच्च रखा। उन्होंने वीर सपूत शहीद हसन खां मेवाती का जिक्र करते हुए कहा कि हसन खां मेवाती ने देश के लिए अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए 12,000 मेवातियों के साथ विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबला किया और देश की आज़ादी के लिए शहादत दी। मेवात के विकास के लिए पिटारा खोल दिया और उन्होंने मंच से मेवात के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमारी सरकार ने मेवात के विकास के लिए 1,300 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने पूर्व की योजनाओं का जिक्र करते हुए नई घोषणाओं को भी मंजूरी देने का ऐलान किया। देखिए, मैंने एक बात कही है कि जो जो मांगे मेरे पास आई हैं सब हम डिपार्टमेंट में जाकर ले जाकर के उनकी फिजिबिलिटी चेक कराएंगे, जो फिजिबल होगी सब करेंगे। इसलिए हर एक की चर्चा जरूरी नहीं करनी होती, जितनी चर्चा की है वो आप नोट कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। लगभग मुझे लगता है 600 करोड़ रुपए के आसपास की योजना है, अगर मैं उसको मिला लेता हूँ मेवात डेवलपमेंट फीडर कैनाल को, तो उसके नाते से लगभग 600 करोड़ रुपए का काम आज किया होगा। पिछले 2 महीने से वहाँ पे नमाज की जगह हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है लेकिन नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, ऐसा क्या है, क्या कहेंगे? देखिए, वो स्थानीय समस्या है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सब पक्षों से बातचीत करके और रास्ता निकाल करके वो अपने आप सॉल्व करेगा। जमीन अकबर की रखी है, कल रखी है, लेकिन फिर भी सेक्टरों का कोई नाम नहीं है जिले के अंदर, ऐसा क्या नाम नहीं है? ने जमीन अलॉट की थी लेकिन वो इतनी महंगी जमीन खरीदी गई थी, बाद में उसका जब रेट निकला तो लोगों ने उसको अप्लाई नहीं किया। हमने एडवर्टाइज किया था, सेक्टर 2 है शायद नू का, तो जब बिक्री के लिए लोग आए नहीं हैं, खरीदने के लिए नहीं आए हैं, तो जबरदस्ती किसी को नहीं लीजिए। अम्बाला में निसा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्यपाल महोदय PPS प्लेनेटोरियम अम्बाला छावनी में आयोजित मंथन स्कूल लीडरशिप समिट 2021 में उपस्थित नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस से जुड़े स्कूलों के प्रतिनिधियों को और शिक्षाविदों को बतौर मुख्य अतिथि वो वहाँ पर पहुँचे और इस मौके पर निसा की शिक्षा के क्षेत्र में चल रही विभिन्न गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मंथन कार्यक्रम में सारे देश के स्कूलों को डिजिटल करने का भी ऐलान किया गया। निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण ने बताया कि कोविड के दौरान जो बच्चों का नुकसान हुआ उसे कैसे पूरा किया जा सकता है, इसी को लेकर कार्यक्रम किया गया। शिक्षा एक ऐसी माध्यम है, शिक्षा से आदमी का ऊंचा स्तर बढ़ता है, नैतिकता बढ़ती है, बहुत महत्व है। और बेरोजगारी का अगर कोई परिष्कार है, दवा है, तो वो है शिक्षा। शिक्षा ही बेरोजगारी को दूर कर सकती है। शिक्षा के बिना पैसा से बेरोजगारी नहीं मिल सकते। किसी को पैसा देकर कुछ देकर हम लोग उसको शिक्षा में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए क्वालिटी एजुकेशन मोस्ट नेसेसरी। और वैसे ही पढ़ने के बाद विद्यार्थियों को हम ध्यान में लाना चाहिए। पैंडेमिक के दौरान क्या लर्निंग लॉस बच्चों का हुआ और कैसे उसको सही किया जा सकता है, तो महामहिम राज्यपाल जी को इस पर निमंत्रित किया गया था और इस पर लॉन्च किया गया लॉन्च माय कैरियर, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिससे बच्चों को कैरियर में जो है कैरियर चुनने में फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत मदद मिलेगी और सारे देश के स्कूलों को डिजिटल करने का भी फैसला निसा ने इस मंथन कार्यक्रम में लिया। वहीं जींद में कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कानून का नहीं गुंडा राज है, हरियाणा में अपराध चरम पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में
6000 किलोमीटर दूर से अपराधियों को पकड़कर लाए थे, लेकिन मौजूदा सरकार यहां के अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है। गरीब हो, खासतौर से दुकानदार और व्यापारी हो, आज उसकी जिंदगी सुरक्षित नहीं। हमारा दुकानदार, हमारा व्यापारी आज खौफ के साए के अंदर जीने को मजबूर है। संगठित अपराध, संगठित गिरोह खुलेआम पनप रहे हैं। व्यापारियों की हत्या हो रही है। श्याम सुंदर बंसल जी की हत्या उदाहरण है संगठित अपराध जिले में और प्रदेश में पनपने का। इसी प्रकार से एक दर्जन के करीब ऐसे वाकये हैं जब जींद में फिरौती मांगी गई और मजबूरी में दे दी गई। सफीदों के सारे डॉक्टर साहेबान सफीदों छोड़कर पलायन कर गए। जुलाना का व्यापारी पलायन कर गया। कुचाणा की यही स्थिति है। आए दिन डकैती, आए दिन फिरौती, आए दिन लूट, आए दिन चोरी, आए दिन गुंडागर्दी। ये सच्चाई है कि हरियाणा की जो मानचित्र है सामाजिक, अब उसका हिस्सा बन गया है। कोरोना संक्रमण का कैथल जिले में एक नया केस सामने आया है और शुक्रवार को डीसी प्रदीप दहिया ने कहा कि जिले में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित है जिसका इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 9,45,655 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिनमें से 6,39,366 लोगों को पहली डोज और 3,06,289 व्यक्तियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। कल 8,446 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। स्टॉक के तौर पर कोरोना रोधी वैक्सीन कोविशील्ड 1,54,660 और कोवैक्सीन 48,440 उपलब्ध हैं। वीआरएस लेने वाली अंबाला रेंज की पूर्व आईजी भारती अरोड़ा का यमुनानगर के कलेसर में लगे नशा मुक्ति कार्यक्रम में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ एसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल, एसपी अंबाला जशनदीप रंधावा और एसपी कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु भी मौजूद रहे। यमुनानगर में नशा मुक्ति कार्यक्रम में पहुंची आईजी भारती अरोड़ा से हमारे संवाददाता देवीदास शारदा ने खास बातचीत की है। आखिर क्या वजह रही कि भारती अरोड़ा ने 10 साल पहले ही वीआरएस ले लिया, जरा आप एक रिपोर्ट देखिए। हमें बैच के आईपीएस अधिकारी जो इस समय हमारे साथ मौजूद है, यमुनानगर में जो नशा मुक्ति अभियान है इन्होंने चलाया था, आज उसके फॉलोजअप के लिए आए। हालांकि इन्होंने वीआरएस दी और जो स्वीकार भी कर लिया है, जानते हैं उनसे विशेष किस तरह का सफर। मैम, जो इस तरफ क्यों आए, जो मुहिम आपने इतने बड़े लेवल पर चलाई, कैसे कहाँ से प्रेरणा मिली? जब मैंने देखा कि समाज में नशा किस तरह फैल रहा है और घर घर में नशा चला गया है, तो इसके बारे में बहुत चिंता हुई मुझे कि क्योंकि छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के बच्चों को भी नशे में फंसाया जा रहा है एक बहुत सोची समझी नियत एक स्कीम के तहत। तो अपनी पुलिस को हमने कहा कि हम लोग आइडेंटिफाई करें ऐसे लोगों को जो नशा दे रहे हैं और उनको क्रिमिनल्स की तरह नहीं, उनको विक्टिम्स की तरह ट्रीट करें, उनके साथ सहानुभूति और प्रेम के साथ उन्हें ट्रीट करें और प्रयास ये करें कि उनका नशा हम छुड़वा सकें। तो उसी स्कीम को वो शुरुआत की थी, एक छोटी सी स्कीम से। वो फिर लोग जुड़ते गए, समाज जुड़ता गया, हमारे साथ बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं जुड़ती गई, बहुत लोग जुड़ते गए और इस तरह का कैंप आज ऑर्गेनाइज हुआ है। पूरा यमुनानगर में एक इस बात की चर्चा है और सभी लोग जुड़ रहे हैं और सभी चाहते हैं कि नशा जड़ से ख़त्म हो। मैम, एक और सवाल, क्योंकि जो UPSC की जो परीक्षा सबसे बड़ी मानी जाती है, मतलब लोग इसके लिए उत्सुक रहते हैं और आप इसको 10 साल पहले ज्वाइन कर रहे हैं, कोई प्रेशर आया, क्या वजह रही छोड़ रहे हैं? अट्रैक्शन है। तो किस तरह का अट्रैक्शन? देखिए, जिस वस्तु की मैं बात कर रही हूँ 10 साल की, जिसके लिए मैं नौकरी छोड़ के जा रही हूँ, तो नेचुरली इससे बड़ी कोई नौकरी मिल गई होगी तभी ये छोड़ के जा रही हूँ। तो मैम, जिस तरह से आप नौकरी छोड़ के जा रही, इसके बाद भी मुहिम रहेगी लोक सेवा की, नशे को लेकर आगे भी करते रहेंगे ऐसे लोक सेवा? हमारे बहुत ही काबिल और अच्छे अफसर हमारे रेंज में लगे हुए हैं, वो इस मुहिम को आगे चलाएंगे। तो इसमें मैं एक और बात है, जो कृष्ण भक्ति या और क्या क्या आगे रहेगा फ्यूचर जो आप जाने वाले हैं, कुछ बताएं और समाज का कैसे भला करेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा कि कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, जैसा प्रेरणा मिलेगी उस तरीके से किया। धन्यवाद। इधर हमारे भारती अरोड़ा जी, 1998 बैच के IPS फ्रेज दरा अधिकारी, उन्हें बोला जो 10 साल पहले नौकरी छोड़ कर जा रही है, वीआरएस लिए हैं, उनका यही कहना कि शायद इससे भी वो फ्री नौकरी जा रहे हैं, लेकिन जो लोक सेवा या आम आदमी का और जो उनकी सर्विस का काम वो जारी रहा। यमुना से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।
वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध अभी जारी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते भारी वाहनों का प्रवेश को पूरी तरीके से रोका गया है, जिसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा से आने वाले भारी वाहन जो कि गुरुग्राम से होते हुए दिल्ली में प्रवेश करते थे उन पर रोक लगी है और इसके कारण गुरुग्राम में भी जाम की समस्या बनी रहती है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम से जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने। आए दिन हो रही वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा गुरुग्राम के अंदर अब एयर प्यूरिफाई की जो संख्या है ये बढ़ाई जाएंगी। आपको दिखाना चाहेंगे ये वायु यंत्र हैं जो कि GMDA के द्वारा गुरुग्राम के अंदर तमाम प्रमुख चौराहों पर, जगहों पर जो है लगाए गए थे। यहाँ अगर बात की जाए तो इसको प्रोजेक्ट एयर केयर के तहत GMDA के द्वारा जो है, प्रशासन के द्वारा जो है लगाए गए थे। गुरुग्राम के अंदर 71 ऐसे जो है वायु यंत्र लगाए गए थे। इस यंत्र की अगर बात करें तो ये जो प्रदूषित जो वायु है, खासकर गाड़ियों से निकलने वाला जो प्रदूषण है उसको खींच कर अपनी ओर उसको स्वच्छ वायु करता है, जो कहीं ना कहीं इस प्रदूषण में निजात दिलाता है और गुरुग्राम में कहीं ना कहीं काफ़ी कारगर भी रहा। इन दिनों में अगर बात की जाए, जब वायु प्रदूषण का जो लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का अगर लेवल की बात की जाए, तो जब ये लेवल बढ़ा तो ये है कहीं ना कहीं काफ़ी कारगर भी रहा था। फिलहाल गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो 156 पर पहुंच चुका है AQI लेवल 2.5, जो कहीं ना कहीं रहा था, जो कभी 500 पहुंचा था। ऐसे में प्रशासन के द्वारा वायु प्रदूषण यंत्र, इसे वायु यंत्र जो कहा जाता है, प्रोजेक्ट एयर केयर, इनकी संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। जो अब तक गुरुग्राम में 71 वायु यंत्र लगे हुए थे, अब इनमें 41 और वायु यंत्र जो हैं जिला प्रशासन के द्वारा गुरुग्राम की प्रमुख जगहों पर लगाए जाएंगे, जिसको सबसे बड़ा उद्देश्य है कि खासकर जो गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है, जो प्रदूषण है, उसको ये फिल्टर कर सके, जिसमें ये वायु प्रदूषण यंत्र काफ़ी कारगर भी साबित हो रहे हैं। गुरुग्राम में अगर बात की जाए तो कुल, क्योंकि 71 थे, अब उन्हें 71 की जगह 41 और बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि समय अनुसार इन वायु यंत्रों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, जो कि इस प्रदूषण के दौरान काफ़ी कारगर साबित हुए हैं। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। रेवाड़ी में सेवा सुरक्षा और सहयोग का दम भरने वाली हरियाणा पुलिस एक बार फिर से दागदार हो गई। दरअसल हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मियों पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया और पुलिस अधीक्षक ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। आपको यहां बताएं कि स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़की ने मॉडल टाउन थाना पुलिस में शिकायत देकर ये बताया कि वो अपने कमरे पर थी, जहां से पुलिस PCR में उसे बिठाकर लाया गया और छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद फिर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में होटल पर ले जाकर दुष्कर्म किया गया। इस मामले में शिकायत मिलते ही रेवाड़ी पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल अनिल, होमगार्ड जितेंद्र और एक धर्मेंद्र नाम का शख्स के खिलाफ धारा 376, 366, 342 और 354A के तहत केस दर्ज किया गया। DSP मोहम्मद जमाल ने कहा कि अभी मामले की जाँच की जा रही है, कौन से होटल ले जाकर दुष्कर्म किया गया और मौके पर कौन कौन मौजूद थे, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। घटनाक्रम तो पूरा इस तरह से हुआ कि ये लड़कियां सपा में कहीं काम करती हैं, तो PCR वालों को ये उनके कमरे पे जाके चले गए ये, और वहां से इनको बिठा लाए और फिर इनके साथ छेड़छाड़, बदतमीजी हुई है। वो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, 3 लड़कों को हमने अरेस्ट कर लिया। सिरसा में डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट ऑफ फ्रंट के बैनर तले विशेष वर्ग के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया और धरनों को लिबरल सोशलिस्ट पार्टी ने अपना समर्थन दिया और छात्रों की मांगों को जायज करार दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि कुलपति अजमेर सिंह मलिक दलितों के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं, वहीं दलित विरोध होने के चलते उनकी धरना देने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। दिन रात छात्र धरने पर बैठ रहे हैं लेकिन वो उनकी मांगें सुनने के लिए नहीं आ रहे। अगर छात्र उनसे मिलने का प्रयास करते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड आप लाठियां उनके ऊपर बरसाते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव दयालपुर के जोहड़ यानी तालाब में एक जंगली हिरण फंस गया। जैसे ही गांव वालों को यह पता चला और गांव में हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासियों की 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जोहड़ से जंगली सांबर को बाहर निकाला गया।
उपचार के लिए भोर सैदा ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। पलवल के चांदर थाना इलाके में स्थित पेट्रोल पंप पर लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक दिखाकर 2.5 लाख रुपए लूटने का मामला उनके संज्ञान में आया है। बंदूकधारी डकैत फिल्मी अंदाज में पंप के अंदर गए और सोते हुए कर्मचारियों को जगाकर उनको बंदूक दिखाई और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। करनाल में हत्या के आरोप में जेल में बंद एक 37 वर्षीय कैदी की मौत हो गई। मौत का कारण छाती में दर्द बताया जा रहा है। कैदी अमित को सामान्य अस्पताल ले जाकर आप सूचना पाकर बंदी के परिजन भी मौके पर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। परिजन जेल प्रशासन से मौत का कारण पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि जेल प्रशासन ने उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने परिजनों को बताया कि जब युवक को लेकर पहुंचे उससे पहले उसकी मौत हो चुकी थी। अब पोस्टमार्टम में ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। वहीं चरखी दादरी में एक बुजुर्ग की आत्महत्या का मामला सामने आया। ये बताया जा रहा है कि बुजुर्ग ने झुंझुनू कला के शमशान घाट में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को शमशान घाट के कमरे से जले शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक ने शमशान घाट की दीवार पर मरने का कारण भी लिखा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बारिश के लिए 22 खबर में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।